सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 1:30 बजे से, और आज आ रखी हूँ मैं मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आई होप आप सब भी माता रानी के साक्षात दर्शन करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और मेरी भी। तो इसी के साथ ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, कड़ी धूप लगी हुई है। हाँ तो फ्रेंड्स गाइस आज आ रखे हम धारी देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए। गाइस आइए, पहुँचने वाले ही हैं। नहीं भैया, और मैंने ये प्रसाद भी ले लिया है माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता रानी को अभी हमने अंदर एंट्री कर ली है, ये है यहाँ पे इस टाइप का पुल है, ये अपना चारों तरफ से बंद है। और यहाँ पे काफी सारे सरदार भाई आ रखे हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के। मम्मी जी, भैया जी और हमारा पूरा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम जो प्रसाद लेके आ रहे थे वो हमने माता रानी को चढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पे तो वहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हम इसलिए नियम का पालन करेंगे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया माता रानी की। काफी सारे लोगों ने जरूर चढ़ा रहे, लेकिन जिन लोगों के दर्शन हुए काफी सारे लोग आ रहे हैं माता रानी परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम तो ऑलरेडी करके आ चुके हैं, क्योंकि मैं कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, लेकिन मैं इन लोगों की दिखा लेती हूँ जो अभी कर रहे हैं यहाँ पे परिक्रमा, तो किस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे कर रहे हैं परिक्रमा, अभी इस वाली साइड से जाना है और इस वाली साइड से परिक्रमा करके बाहर निकलना है। तो ये लोग सब यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, और हमने तो कर ली है पहले से ही। ऐसी है मेरी बड़ी वाली जेठानी जी, और ये है आपको, और ये है मम्मी जी, यहाँ पे सब आ रखे हैं दर्शन करने के लिए।
तो फाइनली गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पे ना फोटोग्राफ मतलब यहाँ पे ना वीडियो वगैरह बनाना उतना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने नियमों का पालन करा, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई अंदर मूर्ति वगैरह की, क्योंकि यहाँ पे फोटो वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम नियमों का पालन करेंगे। तो अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, तो मम्मी जी और सब आ रहे हैं पीछे से, ये आ रहे आगू मम्मी जी, यहाँ पे ना फोटोशूट वगैरह हो रही है। तो पहले गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं माता रानी के, तो आ जा रहे थे हमारी देवी, तो अभी हम घर जा रहे हैं और पीछे से दीदी और भी आ रहे हैं, मम्मी दीदी जी और आपको तो आगे चल गए हैं। तो हाँ जैसे यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लग रही हैं, लेकिन हम तो प्रसाद यहाँ से ही लेके आए थे, तो इसलिए हमने यहाँ से नहीं लिया प्रसाद। और यहाँ पे ना चप्पल ले गया, चप्पल रखी हुई अपनी, तो पहले मैं अपनी चप्पल लेके आ जाती हूँ। तो हाँ जैसे हमने चप्पल पहन ली है और अब जा रहे हैं हम गंगा जी में घूमने के लिए, तो आप सब भी आइए हमारे साथ। फिलहाल तो यहाँ पे बड़ी समझ नहीं आ रहा, और मम्मी जी ना फोटो ले रही है यहाँ से माता रानी की। हाँ
जगह आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम ऊपर ट्रक में, और यहाँ पे मेरी श्वास ना काफ़ी ज़्यादा फूलने लगी है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, पैदल का रास्ता थोड़ा ही है, बट काफ़ी टाइम से चला ना तो सांस फूलने लग जाती है। गाइस मम्मी के लिए ऐसा सम्मान। हाय गाइस, हम सड़क पे पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी भी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे सब ना इंतजार कर रहे हैं मम्मी जी और मेरे, क्योंकि वैसे मम्मी जी और मेरे साथ में ही थे लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गई थी इसलिए। और मम्मी जी यहाँ पे वेट कर रही है।